हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, कल जो एक चीज़ मैंने बताई थी ओरिएंट ग्रीन शेयर के बारे में कि कल जो आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, पहला टारगेट जरूर अचीव हो चुका है हमारा 10 रुपये का, और सेकंड जो टारगेट था वो हमने 13-14 रुपये का रखा हुआ था। बट लेकिन आज ही जो है उलटफेर हो चुका है स्टॉक के अंदर, क्योंकि जो हमारा पहला टारगेट अचीव हो चुका था और उसके बाद जो मैं कह रहा था आप लोगों की प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, जितना भी हो सके अपना प्रॉफिट बुक करके स्टॉक में से निकलिए, और उसके बाद जो प्रॉफिट के साथ अगर रह सकते हैं तो रहिए स्टॉक में। और आज वही चीज़ हमें ओरिएंट ग्रीन पावर के अंदर देखने को मिल रही है। तो क्या अब कितनी गिरावट जो है स्टॉक के अंदर हो सकती है ओरिएंट ग्रीन में, क्योंकि ऑलरेडी जो है अच्छे खासे रिटर्न्स दे दिए हैं, 50% के रिटर्न दे दिए निचले स्तर से, तो अभी करेक्शन की डिमांड थी या नहीं थी, क्या ओरिएंट ग्रीन पावर एक मौका दे रहा है इस टाइम दोबारा से एंट्री लेने का, तो क्या कुछ अपडेट है आज चलते हैं इस वीडियो में, क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहा है ओरिएंट ग्रीन पावर शेयर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पर सही जानकारी इस चैनल पर मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज जरूर निकल के आती है सामने कि भाई मार्केट देखिए भले ही पॉजिटिव जरूर देखने को मिल रहा है आज हमें, लेकिन उसके अपोजिट जो है स्टॉक मार्केट के कुछ स्टॉक्स होते हैं जो पैनी शेयर्स, वो अपोजिट ही चलते रहते हैं। जैसे मार्केट पॉजिटिव है लेकिन ओरिएंट ग्रीन पावर आज नेगेटिव चल रहा है, जब मार्केट नेगेटिव चल रहा होता है तो ये पॉजिटिव चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर क्लियर हो जाती है कि ऑपरेटर गेम कभी भी पैनी शेयर्स के अंदर खत्म नहीं होता है, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाने के चांसेस भी होते हैं, और सबसे ज्यादा ऑपरेटर्स इस चीज को जो है इग्नोर नहीं करते हैं, वो इस चीज को फॉलो करते हैं कि पैनी शेयर्स के अंदर जो है बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिसकी वजह से ऑपरेटर्स का अपना फायदा खुद का बहुत ज्यादा निकलता है पैनी शेयर से। अगर ओरिएंट ग्रीन की आज की बात करूं तो 45 पैसे की गिरावट के साथ स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लग चुका है मार्केट ओपनिंग के टाइम ही। अभी करंट प्राइस 9.90 रुपये 45 पैसे की गिरावट है, और पिछली क्लोजिंग 10.35 रुपये पे थी। और ये चीज़ मैं आपको कल भी कह रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए आज, क्योंकि स्टॉक में भले ही हम टारगेट लेके जरूर चल रहे हैं 13-14 रुपये का, बट लेकिन प्रॉफिट बुकिंग पहला टारगेट अचीव हो गया तो अपना प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए था। कल की डेट में जिस लोगों ने भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, अब जो है लोअर सर्किट के साथ उनको अपना प्रॉफिट जो है वो कम होता हुआ जरूर नजर आ रहा होगा। बात अगर मैं इसके 5 दिन के रिटर्न्स की करूँ तो 10% की रिटर्न देने के बाद आज लोअर सर्किट लग चुका स्टॉक में, और अगर एक महीने की बात करूँ तो लगभग 14% की रिटर्न ओरिएंट ग्रीन पावर शेयर ने अभी तक अपने निवेशकों को दिए भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर सामने है कि भी अगर मैं 6.50 रुपये के आसपास से स्टॉक ने तेजी दिखाई थी, और वहां से लेकर 10.35 रुपये तक की अगर मैं तेजी की बात करूं तो लगभग 50% के रिटर्न दे भी दिए हैं। ऐसी बात नहीं है कि कम रिटर्न दे दिए हैं। तो अब प्रॉफिट बुकिंग नहीं की जिन लोगों ने, उनको जो है नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। यहां पर बात अगर मैं 6 महीने के रिटर्न की करूं तो लगभग 58% की करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी है। कितना सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्या ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, यह भी बताऊंगा मैं आज आप लोगों को। तो अगर एक साल की बात करूं तो 260% के रिटर्न। कहीं ना कहीं एक चीज जरूर क्लियर हो जाती है कि भाई लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट जो है आपको कहीं ना कहीं फायदा देके जरूर जाती है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा आप लोगों को कि इन्वेस्टर बनिए, इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडर मत बनिए बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रेडिंग में भले ही आज मुनाफा हो रहा है कल जो है आपका नुकसान भी हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट जो है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट से बाहर भी एक लाइफ है, अगर स्टॉक मार्केट में ही अपनी ज़िंदगी बिता देंगे ना तो पूरी बाहर की लाइफ है जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर हो जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट को ऐसे लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ना कि एक ट्रेडर के तौर पर, क्योंकि अगर ट्रेडर के तौर पर लेंगे आप तो बहुत ज़्यादा स्टक होकर बैठ जाएंगे, पूरी लाइफ आपकी जो है खराब हो सकती है अगर ट्रेडर के रूप में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखिए, बढ़िया स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ी थोड़ी डिप में परचेजिंग करके एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना के रखिए, ताकि आपकी वेल्थ भी क्रिएट हो और आपके जो कामकाज हैं बाहर के वो भी पूरे होते रहे, ताकि अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएं। बात अगर आज के सेलिंग प्रेशर की करूं मैं तो देखिए 9.5 लाख शेयर्स का सेलिंग प्रेशर मार्केट ओपनिंग के टाइम देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए जो बाइंग ऑर्डर्स थे वो कहीं ना कहीं सेलिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हुए हैं। वॉल्यूम देखें आप 58 लाख, मार्केट ओपनिंग के टाइम ही 58 लाख शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जरूर कहूंगा कि ऑपरेटर्स ने फिर से बड़ा गेम खेल दिया है स्टॉक में। जो बाइंग प्रेशर लगा हुआ था कल की डेट का, जो मार्केट क्लोज होने के बाद का जो बाइंग प्रेशर था, वो एकदम से सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, जबकि 10 लाख शेयर सेलिंग प्रेशर में। तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम एकदम से डाउन हुआ है, वॉल्यूम 58 लाख का एकदम से ट्रेड हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है वो लगभग 70 लाख शेयर्स के आसपास का हमें देखने को मिला था। इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर तो ऑपरेटर के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, जिसमें से 58 लाख शेयर्स तो ट्रेड हो भी चुके हैं और अभी 10 लाख शेयर्स जो हैं वो सेलिंग ऑर्डर में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ओरिएंट ग्रीन पावर
नॉट ओनली ओरिएंट ग्रीन पावर, कहीं ना कहीं सारे के सारे पैनी शेयर्स जिनमें सर्किट का गेम चलता है तो वो सारे के सारे ऑपरेटर ही चलाते हैं उस चीज़ को। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा क्लियर हो जानी चाहिए। और जब भी पैनी शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें तो कहीं ना कहीं कम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका मुनाफा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आप निकालते रहें उन स्टॉक से। अगर मार्केट कैप देखें तो 743 करोड़ का मार्केट कैप पहुंच चुका था, अभी आपको धीरे धीरे नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। पी तो कोई ज़्यादा भी नहीं था, 21.06। अगर आरएसए लेवल की बात करूँ तो वो 70 पॉइंट्स पर जरूर पहुँच गया था, लेकिन ओवरबोर्ड जोन में नहीं गया था, ओवरबोर्ड जोन की कंडीशन में जाने वाला था। उससे पहले ही आज हमें ओरिएंट ग्रीन पावर में करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो अभी ये करेक्शन कहाँ तक जाने वाली है, तो देखिए जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 7.5-8 रुपये का निकल के आ रहा है। अगर वहाँ तक स्टॉक रुकता है या एक दो दिन के लोअर सर्किट के साथ ही दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम दिखा देता है तो फिर एक रफ्तार तो नहीं कह सकता। अब जो इंतजार है वो आपको पता है कि क्वार्टर वन का एंड हो चुका है, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का रहेगा। उससे पहले की जो तेजी है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस जरूर देखे जाते हैं। और वही ओरिएंट ग्रीन पावर में मैंने आपको कल भी सलाह दी थी कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। गिरावट अगर होती है ना तो फिर नुकसान उठाते हुए आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगता है ना तो सेल नहीं कर पाते हैं स्टॉक को आप, सिर्फ अपर सर्किट में ही आप सेल कर पाएंगे और लोअर सर्किट में आप सिर्फ खरीद पाएंगे। खरीदना है तो कितना ही खरीद लो आप खरीद सकते, लेकिन सेल नहीं कर पाओगे आप स्टॉक को जितने भी आपके पास हैं। एक वीक की परफॉर्मेंस 14.5% की और एक मंथ की लगभग 13% की परफॉर्मेंस है, और एक साल की परफॉर्मेंस 258% के आसपास की ओरिएंट ग्रीन पावर में हमें देखने को मिल रही है। चीज जरूर है कि भाई ओरिएंट ग्रीन पावर जो है एक ग्रीन एनर्जी सेक्टर का शेयर है, पर लेकिन इतना भी नहीं कि भाई कंपनी के फंडामेंटल्स इतने सही नहीं कि ये स्टॉक आपको 100 रुपए के पार चला जाए एक साल के अंदर, 2 साल के अंदर। तो उसके लिए जो है कंपनी को कामकाज अपना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कंपनी का कम होता हुआ नजर आ रहा। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऐसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं सही भी साबित हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर वॉल्यूम देखें तो आप 82 लाख का अब तक का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, अभी 58 लाख था और अब उससे भी बढ़ के 82 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, और कल का वॉल्यूम 8 लाख था, क्योंकि जो जितना भी जो बाइंग प्रेशर था उसको सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए उससे ज्यादा अमाउंट का जो सेलिंग प्रेशर वो क्रिएट करना चाहिए था, और वही चीज हुई है। लगभग मैं बताऊं आपको, कल का जो सेलिंग प्रेशर था वो 0 था और बाइंग प्रेशर था लगभग 58 लाख के आसपास का था, उससे ऊपर का जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया गया जिसकी वजह से सारे के सारे बाइंग ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हुए, और एक्स्ट्रा जो सेलिंग प्रेशर था वो कहीं ना कहीं 10 लाख का अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी ओरिएंट ग्रीन पावर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की थी और कल प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है तो अभी पेशेंस रखना होगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, दोबारा से करेक्शन अगर स्टॉक में होती है तो फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम कुछ दिनों के बाद आपको ओरिएंट ग्रीन पावर शेयर में देखने को मिल सकता है। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।